मसूर लाल चौक है जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कंट्री इनसाइड के लिए। आप ये देख सकते हैं लाल चौक पूरा सुनसान पड़ा है, दुकानें बंद हैं और लोग पालन कर रहे हैं इस लॉकडाउन का जो गवर्नर साहब ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है। इसमें तो लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, जो मेरा कैमरा पर्सन है वो ज़मीन को बोल रहा हूँ कि ये ज़रा पूरा दिखाइएगा लाल चौक का नज़ारा इनको, अपने व्यूवर्स को, ताकि वो देख सकते हैं यहाँ कितना लॉकडाउन है। आज हम कंट्री इनसाइड की टीम, यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, हम डिफरेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स में जा रहे हैं ताकि लोगों से कुछ बातें भी करें कि ये वैक्सीन कैसे लगाया है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। किसी किसी जगह वैक्सीन बिलो 45 एज को लगाते हैं और किसी किसी सेंटर में अबव 45 को लगाते हैं। वो थोड़ा सा हमें गलत लग रहा है कि अगर एक कपल, उसमें 45 उसकी मिसेज है और 48 उसका हस्बैंड है, तो उनको दो डिफरेंट सेंटर्स में जाना पड़ेगा, जो उनके लिए एक असुविधा है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि एक ही सेंटर में ये सब रखे। ये बठवालू का मशहूर दरगाह है जिसको बठवालू साहब बोलते हैं रहमतुल्लाह अलैह। ये यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ एक वैक्सीनेशन सेंटर में मैं जा रहा हूँ और मैं आपको वहाँ से भी रिपोर्ट दे दूँगा। ये हमारे जांबाज फ्रंट वर्कर्स जो अपनी जान को बाजी से लगा के लोगों को इंजेक्शन दे रहे हैं इसमें, तो इनमें ये फ्रंट वर्कर जो आप देख रहे हैं ये लोगों को एक एक करके बुला रहे हैं। आप देख लीजिए, इंजेक्शन लगा, ये हमारी बहन ये बोल रही है कि इसका पहला डोज लगने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं श्रीनगर में इस टाइम वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार सज्जाद हुसैन भी टीका लगवाने यहाँ आए हैं, तो हम ये आपको इस टाइम लाइव दिखा रहे हैं कि उनको यहाँ पे ये कोविशील्ड वैक्सीन लगाया जा रहा है। मैं कंट्री इनसाइड न्यूज के लिए मोहम्मद शफी सज्जाद हुसैन के साथ श्रीनगर बटवालू पीएससी के। यहाँ को ये कोविड का इंजेक्शन लग रहा है, मैं कंट्री इनसाइड के लिए यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये डॉक्टर साहिबान यहाँ लोगों को बता रहे हैं कि वो लाइन में आइए, यहाँ जमकर मत कर लीजिएगा, लोग कितने हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और ये डॉक्टर साहिबान इनको मशवरा दे रहे हैं कि आप एक लाइन से आइएगा ताकि इनको बारी बारी सबको अपने वक्त पे इंजेक्शन लग जाए। इसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ये डॉक्टर साहिबान भी है यहाँ सब। ये हमारे पास इस वैक्सीन सेंटर में एक बुजुर्ग महिला है जो आप देख सकते हैं, इनके साथ इनके बेटे आए हैं, तो इनका पहला डोज है भाई साहब, तो इनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है, तो ये पहला डोज है। चलिए ठीक है, आपका नाम समीर, ये कुछ यहाँ ये बाशिंदे जो श्रीनगर से आए हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर में इंजेक्शन लगवाने के लिए। थोड़ा सा बहुत रश है और लोग क्यूरियस है कब इनका इंजेक्शन लग जाए। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम नदीम है। आपका नाम? नदीम। नदीम, नदीम साहब आप पहली बार आए हैं इस वैक्सीन सेंटर में, पहला डोज आपको लगने वाला, आप अपनी फैमिली के साथ आए? ठीक है ठीक है, आपके साथ कौन कौन आए? मदर है, सब। चलिए ठीक है, तो आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं, वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना? बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी इस हालात में वैक्सीन बहुत लगाना चाहिए। ठीक है सर, मैं कंट्री इनसाइड के लिए सज्जाद हुसैन लाल चौक से रिपोर्ट कर रहा हूँ।